आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बिजनौर। जी हाँ, इस एक दुखद घटना के समाचार हैं जिसमें एक 14 साल की दलित लड़की को किसी बड़े जुर्म का शिकार बनाया गया, जिसमें इसका आरोप है कि इसमें उसके चाचा भी शामिल थे। ये घटना एक डिस्ट्रिक्ट के धामपुर पुलिस स्टेशन की सीमाओं में आई और ये घटना एक अफसोसनाक वेडनेसडे को घटा। अथॉरिटीज ने तुरंत कदम उठाया और तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया। SHO किरणपाल सिंह ने इसका परिणाम दिया। इस अफसोसनाक घटना का शुरुआत हुई जब लड़की के चाचा, जिसका नाम अमरजीत है, उसके पैसे देने का बहाना बनाकर उसके साथ जाने को राजी करने लगा। लड़की की मां ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के साथ गुजरी हुई दर्दनाक घटना का वर्णन किया। शिकायत के मुताबिक अमरजीत और उनके साथी मोहित त्यागी और सुमित वर्मा ने लड़की को एक घिनौना बलात्कार करने का शिकार बनाया। इस छोटी लड़की जो क्लास 8 में पढ़ती है, उसने इस भयंकर अनुभव से गहरा झटका खाया है। इस दर्दनाक शिकायत को जवाब में कानून व्यवस्था ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड पुस्तक के प्रधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के एक्ट के और बच्चों को सुरक्षा के लिए दंडित पुस्तक पॉस्को एक्ट के रेलेवेंट धरती अदालत में केस दर्ज किया। इस मामले की जांच अभी जारी है और SHO ने आशा व्यक्त ये भी कहा है कि सुनिश्चित रूप से हासिल किया जाएगा।